हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा आरडी शर्मा क्लास 9 न्यू एडिशन लेटेस्ट बुक का। इसका एमआरपी प्राइस क्या है और अगर आप इसे मार्केट में परचेज करने जाते तो ये आपको कितने की मिलेगी, और प्रीवियस एडिशन से अगर मैं इस बुक को कंपेयर करूँ तो इसमें क्या लेटेस्ट फीचर्स ऐड किए गए हैं, एक्सरसाइज में क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारी डिटेल्स को हम सिंगल वीडियो में कवरअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल आपकी दो बुक्स बनी है। एक बुक आपकी है ऑब्जेक्टिव, एक बुक है आपकी सब्जेक्टिव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस साल आपकी आरडी शर्मा दो पार्ट्स में आई है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एमआरपी प्राइस क्या है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसका एमआरपी कितना है, 595 रुपीज़ बोथ बुक का, सब्जेक्टिव विद एमसीक्यू बेस। दोनों बुक्स आपको एक साथ मिलेगी, सेपरेटली आप बुक्स नहीं ले सकते। और अगर आप इसे परचेज करते हो तो आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिल जाएगी 480 रुपीज़ की, और ये आपका लेटेस्ट एडिशन बुक है, 11 रिवाइज एडिशन 2022। तो इस साल आपको दो बुक्स मिलेगी, एक होगी आपकी सब्जेक्टिव, एक होगी आपकी ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या चेंजेस किया गया है। तो ये आपकी सब्जेक्टिव बेस्ड बुक। तो जैसे कि अगर हम इसे ओपन करें तो यहाँ पर आपके फर्स्ट पेजेस पे लिखा गया है कि इस बुक में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं और जो आपकी एक्सरसाइज हैं वो इस साल 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बेसिक, लॉट्स एंड हॉट्स। बेसिक मीन्स इट बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। लॉट मीन बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्केल, और हॉट मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल। दैट मीन्स बेसिक मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, और लॉट मतलब जिसका लेवल थोड़ा सा अप होगा एज कम्पेयर टू बेसिक, और हॉट्स मतलब जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल होंगे और वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और एट द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको फिलिंडा ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्रीवियस एडिशन से, तो प्रीवियस एडिशन बुक आपके एक सिंगल बुक थी जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी थे, बट इस साल आपके इस बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि उसकी एक बुक आपकी सेपरेटली बन चुकी है। तो इसलिए अगर आप इसमें ढूंढोगे एमसीक्यू वो आपको नहीं मिलेंगे, तो उसकी हम डिटेल अभी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट पेज दिखाता हूँ कंटेंट का। तो ये आपका कंटेंट है, टोटल आपके इस साल 25 चैप्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, देन एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर। तो ऐसे ही आपके टोटल 25 चैप्टर्स है, लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका क्या है कंटेंट इन डिटेल। ये आपके लिखा गया है कि नंबर सिस्टम में आप क्या क्या डिटेल्स पढ़ोगे, एक्सपोनेंट्स में आप कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। तो ये आपके क्या हो गए, कंटेंट हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पेज देखो, नंबर सिस्टम अगर मैं फर्स्ट चैप्टर दिखाऊं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, और अगर मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दिखाऊं तो ये आपकी क्या है, एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि यहाँ पर आपके डायरेक्टली आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिक। तो ये आपकी एक्सरसाइज काफ़ी यूज़ करके है, जिस करके ये सिर्फ एक ही लेवल पर बनी हुई है। और अगर मैं कुछ और एक्सरसाइज आपको दिखाऊं तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रखी है आपकी एक्सरसाइज। जैसे कि आप एक एक्सरसाइज देख रहे हो जिसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेसिक, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके बेस्ड ऑन लॉट के क्वेश्चन भी है और बेस्ड ऑन हॉट भी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आपके कुछ डिफरेंट चैप्टर्स में आपकी एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, बेसिक, हॉट एंड लॉट्स। तो ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये होगी आपकी सब्जेक्टिव की। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्रीवियस एडिशन ने, तो प्रीवियस एडिशन में आपका बेसिक, हॉट और लॉट नहीं था, वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज थी 2 पार्ट्स में, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो यहाँ पर आपके बेसिक और स्टैंडर्ड के हिसाब से इस बार 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर गई है। तो जिस करके आप चॉइस है कि अगर जिन्होंने आगे फर्दर मैथ्स नहीं लेना वो सिर्फ बेसिक और लॉट क्वेश्चन कर सकता है, बट जिन्होंने आगे मैथ्स लेना है तो वो बेसिक और लॉट के साथ हॉट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो सेकेंड बुक्स है वो है हमारी एमसीक्यू बेस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। अगर हम इस बुक के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। तो अगर हम फर्स्ट पेज देखें इस बुक का, तो वहाँ पर आपके पूरे हाईलाइट कर रखा है कि रिवीजन ऑफ की कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज, हर एक चैप्टर के टोटल सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं और उसके फॉर्मूलेज, अगर उस चैप्टर में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो वो सारे डिटेल दे रखे हैं। ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले।
और देन उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है एमसीक्यू की, देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की और एक्सरसाइज रीजन टाइप क्वेश्चन की। अगर हम इसकी एक्सरसाइज देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले यहाँ पर आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, देन उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज होगी फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू के बाद आपका एसेसमेंट रीजन के क्वेश्चन है। अगर मैं एमसीक्यू वाली बुक को भी अगर कंपेयर करूं लास्ट ईयर एडिशन से, तो उस बुक में आपके एसेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे और ना ही आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ पुटअप किए गए थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रीवियस एडिशन से ही अपना काम चला लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो नई एडिशन बुक्स है उसमें आपके हर एक चैप्टर्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडअप किए गए हैं, और अगर आप क्वेश्चन का कंपेयर करें लेवल तो वो भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बेशक इस साल कम किए गए हों बट नए क्वेश्चन एडअप किए गए हैं, तो इस करके मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नई आरडी शर्मा ले रहे हो तो आप उसी को ही परचेज करें। ओल्ड एडिशन अगर आप लेते हो तो आपके जो नए क्वेश्चन और जो नए पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन इस बार पुटअप किए गए वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस करके अगर आप आरडी शर्मा लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि आप नई आरडी शर्मा को ही परचेज करें। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आरडी शर्मा स्टार्ट करने वाले हो या फिर अगर आप सोच रहे हो और अगर आपका बजट नहीं बन रहा है इस बुक को लेने का, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस न्यू लेटेस्ट एडिशन बुक का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जल्द। तो अगर आपने स्टार्ट करना है चैप्टर वाइज, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम जब भी अगर इस चैप्टर्स की अगर वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना और उसकी नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो अगर आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।